सिविल सर्विस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें तैयारी के दो चरण होते हैं। पहला चरण बिल्कुल प्राथमिक स्तर वाला, बिल्कुल बेसिक, और दूसरा चरण होता है थोड़ा सा उच्च स्तरीय, थोड़ा सा क्रिएटिव लेवल वाला। वो जो प्राथमिक चरण है ना, उसके अंतर्गत आता है कि आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, सिलेबस पूरा याद कर लिया, नोट्स आपको याद हैं, आपको हर टॉपिक समझ में आ गया। ये है बेसिक लेवल। तो नोट्स पढ़ लेना, याद कर लेना, ये बस एक बेसिक रूप में आपको तैयार करना है। अकेले इस मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको उच्च लेवल पे, द्वितीय लेवल पे जाना पड़ेगा, द्वितीय तल पे जाना पड़ेगा। और वो द्वितीय तल क्या है? वो है थोड़ा क्रिएटिव वाला, और वो क्रिएटिविटी आएगी प्रैक्टिस से। और क्रिएटिव क्या करना है? क्रिएटिव ये करना है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है और हमें यदि थ्योरी पूरी तरह याद भी है, तो उस थ्योरी को उस वर्ड लिमिट में किस तरह पिरोएं, उस वर्ड लिमिट में पिरोने के दौरान किस तरह से वैरायटी दे के उसको अलग अलग आयामों में प्रस्तुत करें, ताकि सामने वाले को अच्छे समझ में आए, सामने वाले को वो इम्प्रेस करे। हम उस कंठस्थ हो चुकी थ्योरी में ऐसा क्या इनपुट और डाल दें जिससे आंसर राइटिंग के दौरान हमारा आंसर और एनरिच हो जाए। ये सब करना पड़ता है द्वितीय तल, जो पूरा क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। और क्रिएटिविटी इज पॉसिबल ओनली इन प्रैक्टिस। क्या बात है, समझ में आ रही है?